हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं गाइस, हमारे पास तोशिबा का एलसीडी टीवी आया है रिपेयर होने के लिए। तो गाइस, ये 32 इंच का एलसीडी टीवी है गाइस, और इसमें गाइस मॉडल नंबर है 32PB21ZD। ठीक है, तो इस तरीके से 32 इंच का पैनल है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, तो देखिए गाइस क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद सोल्यूशन बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसे टर्न कर लेता हूँ। इस तरीके से पैनल है, और अभी स्टार्ट करके बताता हूँ। ग्रीन लाइट आ चुका है। ओके, तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। तो देखिएगा इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतनी सी स्क्रीन में ब्लू स्क्रीन आ रहा है, क्योंकि गाइस पूरे स्क्रीन पे ब्लू स्क्रीन आना था, तो इतनी स्क्रीन पे आ रहा है और इतनी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ब्लू स्क्रीन। तो यहाँ पे रेड लाइट आ रहे हैं, अभी वीडियो लगा के देखते हैं। तो गाइस इसे टर्न कर लेंगे और HDMI पोर्ट लगाएंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो पता चलेगा गाइस। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, देखते ही पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे कलर ठीक से आ रहा है, इतने पट्टे पे कलर आ रहा है, और जो आधी यहाँ से इतनी है, यहाँ पे कुछ डबल इमेज टाइप आ रहा है। और एक मिनट, तो गाइस यहाँ से पिक्चर शेक हो रही है। ठीक है, देखिए गाइस, यहाँ से छोटा, यहाँ से ये लाइन है, ये लाइन से यहाँ इतना बड़ा, यहाँ पे पिक्चर हल्का सा शेक हो रही है, और इसमें थोड़ा नेगेटिव टाइप के कलर मिक्सिंग आ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस, रिमोट से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। रिमोट पे टाइटल देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। तो देखिए गाइस, ये कुछ धुंधला दिख रहा है, और यहाँ पे डबल इमेज भी आ रहा है। तो गाइस, ये डबल इमेज का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डबल इमेज आ रहा है, तो गाइस इसका प्रॉब्लम यही हो सकता है, जो पैनल का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज हम इसे पैनल रिपेयर करेंगे, और होता है क्या नहीं वो भी देखेंगे, और किस तरीके से हुआ है रिपेयर वो भी देखेंगे। तो गाइस, इससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा LCD पैनल है। ठीक है, तो अब इसे पूरा खोलेंगे, खोल के पैनल देखेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए गाइस। तो गाइस, जैसे कि हमने इस तरीके से पैनल खोल दिए हैं गाइस। ठीक है, तो इसे खोलने के बाद गाइस मुझे पता चला है कि इसमें गाइस ए सिंगल कफ है गाइस। इसमें तो इसमें एक बड़ा कफ होता है, सिंगल कफ है। तो गाइस इस तरीके से प्रॉब्लम ये जो आते हैं, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी कफ में आते हैं। तो गाइस इस तरीके से प्रॉब्लम जो टीवी पे प्रॉब्लम है, तो गाइस इस तरीके से प्रॉब्लम है। एक मिनट, तो गाइस जैसे कि हमने पूरा पैनल खोल दिए हैं, और गाइस ब्लू स्क्रीन इतना ही आ रहा है, तो मतलब इतना ओके है, और इतना जो है इतना हमारा प्रॉब्लम आ रहा है गाइस। ठीक है, तो गाइस ये हम कब के यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले गाइस। ठीक है, तो गाइस दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इसका जो कफ है, कफ चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको खर्चा ज़्यादा आता है, और जो कफ है खर्चा ज़्यादा आता है, और वो कफ जल्दी मिलता भी नहीं है, दूसरे किसी पैनल से हमें कफ लेके लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें रिपेयर करना पड़ता है। और सेकंड मेथड है कटिंग मेथड है गाइस। ठीक है, तो सब कटिंग मेथड से हम चेक करके देखेंगे कटिंग मेथड से सॉल्व होता है क्या नहीं। ठीक है, तो गाइस देखिए गाइस, तो गाइस कटिंग मेथड करता हूँ गाइस। कटिंग मेथड करने के बाद गाइस आपको बाद में कैमरा जूम करके कहाँ किस तरीके से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, मैं वो दिखा दूंगा गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस किस तरीके से।
तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, डिस्प्ले क्लियर तो हो चुका है, जो डबल इमेज था वो तो हो चुका है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो सीकेवी लाइंस होते हैं तो हमें इसे कट किए है गाइस, ठीक है। तो इससे पहले गाइस गलत कट होने की वजह से पूरा डिस्प्ले ब्लैंक हो गया था, ठीक है। तो एक मिनट जूम करके बताता हूँ, नज़दीक से बताता हूँ। तो गाइस देखिए गाइस, डिस्प्ले चालू है और डिस्प्ले पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ओके हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मैं क्लियर बता देता हूँ किस तरीके से कटिंग मेथड किया है हमने। तो देखिए गाइस, ये पहले बंद कर देता हूँ सिस्टम। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक मिनट, तो देखिए गाइस हमने क्या किया है, यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे हमने पूरे लाइन कट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे देखिएगा CKV1 CKV2, ठीक है। तो ये CKV1 VCOM V, ये वन साइड का रहता है गाइस, ठीक है। इस तरीके से ये सिग्नल से गाइस, ठीक है। तो ये B1 CKV B1 और CKV B2 और CKV1 और CKV2, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कनेक्शन होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पॉइंट है पॉइंट के ऊपर से हमने कट किए हैं यहाँ पे। तो गाइस हमने, मैंने इसे शोल्डर मारा है कि आपको क्लियर दिखा सकूँ कि यहाँ पे हमने कट कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे हमने कट किए। इसके पहले गाइस हमने गलती किए थे, यहाँ पे STVP कट हो चुका था गाइस, STVP और VSS ये जो सिग्नल से कट हो चुके थे। तो इसकी वजह से हमारे जो सिस्टम में पूरा ब्लैंक हो गया था। तो फिर से हमने जॉइंट कर दिए गाइस, ठीक है। तो डिस्प्ले पूरा ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हमें केयरफुली करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए उसके ऊपर कट करना है, और यहाँ से थोड़ा गैप दे के कर करना है। कॉफ के ऊपर से कट नहीं करना है, कॉफ के नीचे से कट करना है। तो गाइस और है गाइस, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट के नीचे यहाँ पे टच करके हमें यहाँ पे भी चेक करना होता है। अगर वहाँ से ओके नहीं होता है तो हमें यहाँ से भी ओके करना पड़ता है। तो मतलब अगर यहाँ पे कट होके भी ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे वापस से ज्वाइंट कर देना पड़ता है। यहाँ पे ज्वाइंट करके हमें यहाँ पे CKV लाइंस यहाँ पे जो दिए गए हुए हैं ना, तो गाइस यही CKV लाइंस को हमें यहाँ पे ये दूसरी साइड में सर्च करना पड़ता है, ये अपोजिट साइड पे। तो गाइस हमने यहाँ पे भी सर्च किया है, यहाँ पे भी CKV लाइन, यहाँ पे भी CKV लाइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी पावर आता है एक साइड से और यहाँ पे भी सिग्नल्स आते हैं एक साइड से। तो ये दो साइड से सिग्नल लेता है गाइस, ठीक है। अगर यहाँ से अगर प्रॉब्लम अगर नहीं होता है सॉल्यूशन, तो गाइस यहाँ से अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमें यहाँ पे कट करना पड़ता है। यहाँ पे भी कट करने का मेथड उसी तरीके से, तो यहाँ पे ऊपर से यहाँ से बीच में से कट करना होता है। तो यहाँ बीच में से कट करने के बाद फिर हमें चेक करना होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे CKV VCOM यही कट करना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे तो गाइस हमारा ये जो है फर्स्ट स्टिचिंग में हमारा ओके हो चुका है गाइस, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो पैनल है रिपेयर हो चुका है गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, ठीक है गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस।